हमारे साथ हमारी वरिष्ठ सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह जुड़ गई हैं। हर्षा, अगर 1993 से देखा जाए तो 31 सालों के बाद एक अंतिम फैसला जो है इस मामले में आया है, और उसमें यहाँ पर एजेंसियों के लिए खासकर एक झटका है, क्योंकि एक आरोपी जो है वो बरी हो गया। क्या है पूरा मामला, एक बार बताएं। बाबरी मस्जिद का जो डेमोलिशन हुआ था उसके बाद में इंडिया में कई कई जगह देश में सीरियल ब्लास्ट होने लगे थे, और इस सब को इसके पीछे जब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज लगी थी तो उनको पता चला था कि कुछ टेरर ऑपरेटर्स हैं जो पाकिस्तान बेस्ड हैं, और ये जो सीरियल ब्लास्ट थे ये कहीं तो प्रेशर कुकर में रखे हुए थे या ये इस तरह के बॉम्ब्स बनते थे। अब इसमें जो अब्दुल करीम टुंडा है, उनका ये बिलीफ था कि अब्दुल करीम टुंडा ये बॉम्ब बनाता था और बनाने की सीख भी देता था। तो जैसे जो राजधानी में ट्रेन ब्लास्ट में जो सीरियल ब्लास्ट हुए थे 1993 में, मुंबई ब्लास्ट के कुछ समय बाद जो हुए थे, उसमें बताया जाता है कि अब्दुल करीम टुंडा का हाथ था या इसने कहीं ना कहीं सिखाया था किस तरह से ये बॉम्ब बनना चाहिए। अब कौन है अब्दुल करीम टुंडा? अब ये 83 ईयर्स ओल्ड है और ये बॉम्बे में उसने शुरुआत की थी एज अ कारपेंटर, ये कारपेंटर का काम करता है। और बताते हैं कि एक बार बॉम्ब बनाने के दौरान एक विस्फोट हुआ था और उसका जो हाथ है वो उसका हाथ उसमें डैमेज हो गया था, उड़ गया था, इसलिए उसे टुंडा कहते हैं। इसके बाद में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज कई सालों तक इसको ढूंढ रही थी, ये फरार था, और बीच में उनको ऐसा भी लगा था ये मर चुका है, लेकिन ये भाग गया था, इंडिया से बाहर भाग गया था, और फिर इसको नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था 2013 में। और उसके बाद में इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज बिलीव करती हैं कि 30 से 40 बॉम्ब ब्लास्ट केस में ये इन्वॉल्व है, लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट केस में ये साबित करना कि ये एक्चुअली इसी ने वो बॉम्ब बनाया है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। तो कहीं ना कहीं ये ऑपरेटिव है, ये ट्रेनिंग देता है, पर वो एक्चुअली वो फिजिकल बॉम्ब बना के राजधानी में रखना या इसने किसी को ट्रेन किया और उन्होंने रखा, ये जो कड़ी है ना, ये वीक लिंक है, और इसकी वजह से ये इस केस में बरी हुआ है कि भाई वो एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं कि जो राजधानी में जो बॉम्ब्स रखे गए थे वो टुंडा द्वारा बनाए गए थे और उन्होंने रखवाए थे। तो दो लोग जो इसमें जिनको सज़ा मिली है उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट पाया गया है, टुंडा का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया है। बट ही इज़ इंडियाज़ मोस्ट वांटेड टेररिस्ट, ये ऑपरेटिव है, कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ इसने काम किया है, और बहुत टाइम से इसको लोग तलाश रहे थे, 2013 में ये पकड़ा गया है। अब लगता नहीं है कि ये वॉक फ्री होगा, क्योंकि इतने केसेस हैं जिसमें ये उलझा हुआ है कि लगता नहीं है कि जेल से बाहर आएगा। लेकिन इस केस में सवाल ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन है, जो एविडेंस है, वो कहीं ना कहीं पर्याप्त नहीं रही है, इसलिए इस केस में वो बरी हो गया है।